पापी पेट का सवाल नहीं होता। तो मैडम टू सॉर्ड्स में पड़ा हुआ ये पुतला जगह जगह घूमता नहीं नजर आता। ओए तिरकी, ये तो असली है, यानी कि असली ऐश्वर्या राय है। अरे हम तो सोचे थे कि जर्मनी के कान से लेकर जयपुर की गलियों तक बस इनका ये पुतला ही घूम रहा है। वैसे भी ये किसी पुतले से कम नहीं है, सब प्लास्टिक है सर जी। मगर सच्ची में ये सवाल एकदम खरे सोने की तरह है कि क्या ऐश ने शर्मन बेच खाई है? इतनी फ्लॉप्स देने के बाद भी सरेआम घूमने में इन्हें शर्म नहीं आती, वो भी इतने बड़े खानदान की बहू होने के बाद। ओ हो, असली रीजन तो ये संगति ही जब ऐसी होगी तो असर तो दिखेगा ना। जी हाँ, जूनियर बे इनके पतिदेव की बात कर रहे हैं हम, जो उनके साथ भूत की तरह हर जगह इनका पल्लू पकड़े, थोड़ी बहुत बची कुची पब्लिसिटी पाने में जुटे रहते। क्या करे ऐश भी, दो दो करियर का भार जो उनके कंधों पर है, और इसलिए आजकल इनकी उम्र भी साफ पता चलने लगी है। जी ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आजकल के छोकरा छोकरी लोग इनके ऊपर आंटी जी वाला टॉन्ट बोल बोल कर प्रूव करने में लगे हैं। फॉर्मा मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या का फ्लॉप्स देने का सिलसिला अगर रुका नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये फॉर्मा बॉलीवुड हीरोइन बन जाएंगी। बड़ी लंबी लिस्ट है इनके फ्लॉप फिल्म्स की। रावण में तो इन्होंने ऑडियंस को भगा दिया, और एक्शन रिप्ले की माला से लग गया इनकी हिट्स पे ताला। ये इतनी आर्टिफिशियल है कि लोग भी इन्हें बस एक आर्टिफैक्ट की तरह ही पसंद करते हैं। अब तो लाइमलाइट में आने के लिए बचा है मिसेस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, या फिर इस यूनिवर्स के बाहर जाके ऐश शुड ट्राई हर लक। एटलीस्ट बॉलीवुड में तो लोग इनके थके पिटे एक्सप्रेशन से बच पाएंगे। ऐश्वर्या नंबर 5 ऑन फ्लॉप का बाप।